अंकित कॉफी। अच्छा लिसन, प्लीज बी रेडी बाय 7। मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। अरे क्या जरूरत है, लेट इट बी ना। क्या जरूरत थी, इतना बड़ा अवार्ड जीता है तुमने, सेलिब्रेशन तो बनता है। 7। रीमा, डू वी नो एनी प्रज्ञा जोशी? प्रज्ञा जोशी, नॉट रियली। हे, व्हाट्स अप? क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द ईयर, कांग्रेस ब्रो। थैंक यू यार। अरे पता है मुझे किसका फोन आया था? किसका? अपनी लेडी कब्बर का। तेरा नंबर भी लिया उसने। अच्छा पता, पार्टी कब दे रहा भाई? सुनना, कैन आई कॉल यू डन? एक बहुत जरूरी फोन करना है यार। या श्योर। है ना, कॉल यू बैक। हेलो। हेलो प्रज्ञा मैम। प्रज्ञा मैम। अंकित, तुम्हारे लिए तो मैं लेडी गब्बर ही ठीक हूँ। पेपर में तुम्हारा नाम पढ़ा और तुम्हारी फोटो भी देखी, बहुत अच्छा लगा बेटा। थैंक यू सो मच मैम। तुम अभी भी कुछ वैसी शैतानियां करते हो या थोड़े सुधर में गए? बिल्कुल शैतानी नहीं करता मैम अब। आखिरी पेज पे किसी की ड्राइंग भी नहीं बनाता। अच्छा। मुझे तो अभी भी याद है उस दिन तुम्हारे पापा कितने गुस्से में थे, तुम्हारी शिकायतें जो बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैंने तो उन्हें उसी दिन कह दिया था, ये जो लड़का है ना, इसकी हैंडराइटिंग और इसकी ड्राइंग दोनों ही बहुत कमाल की हैं और ये आगे जाके बहुत तरक्की करेगा। मैम आपने पूरी क्लास के सामने भी तो बोला था, निलायक को कुछ तो शर्म करो, क्या लिखते हो कुछ समझ नहीं आता। अंकित को देखो, क्या हैंडराइटिंग है उसकी, कितनी साफ। याद है मैम, सब कुछ याद है। अंकित। यस मैम, आई एम हियर। मैम थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। थैंक यू किस बात का बेटा, ये तो हम टीचर्स का फर्ज होता है। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ सुनना, डू यू हैव अ प्रभात सर नंबर? अपने वो खड़ूस सर। ऐसे कई सारे लेडी गब्बर, मोगली सर, खड़ूस सर और डेंजर मैम हैं, जिन्होंने हमारे टैलेंट को हमारे घर वालों से पहले परखा है, उसको बढ़ावा दिया है और इसी प्रेरणा से हमने नई ऊंचाइयां हासिल की। वक्त है उन्हें दिल से थैंक यू कहने का। इट्स टाइम टू थैंक योर टीचर राइट नाउ। कॉल देम अप एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस यूजिंग द हैशटैग थैंक यू टीचर। लाइट हाउस लर्निंग की तरफ से भी आपके उन टीचर्स को अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। एंड यस, थैंक यू टीचर।